नवाज भाई वेलकम 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 अमेजिंग वर्क सर, मतलब ऐसा लग रहा है सच में कोई पीछे पड़ गया है गेट वे पे कि यार कितनी नहीं खींचनी यार तेरे संग, नहीं खिंचानी फोटो मुझे। गिव इट अप फॉर सानिया मल्होत्रा लेडीज एंड जेंटलमैन, जोरदार तालियां, कम ऑन यार, बहुत अच्छा काम किया है, तालियां बनती है यहाँ पे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज टू यू, मुझे ये बोले वो ऐसा लग रहा है जैसे सच में कोई आदमी स्टॉक कर रहा है गेटवे ऑफ इंडिया पे, वो हाउ डिड यू डू इट यार, वो सीन कैसे हुआ था जहां वो पीछे चले जा रहे हैं, कुछ कुछ बोलते चले जा रहे हैं, यू जस्ट चलते जा रहे हो अपने सीन में, पहला सीन? उसके तो हमने बहुत सारे टेक्स लिए थे, बहुत सारे, कुछ 30-35 टेक्स। नहीं वो हर फिल्म, मैंने मतलब हमारी फिल्म में सारे सीन्स के साथ यही होता था, तो हम 35 टेक तो बहुत नॉर्मल थे। 30-35 नॉर्मल थे? हाँ, मतलब ये नहीं कि चीजें होती नहीं थी, पर रितेश को अच्छा लगता है कि हम इम्प्रोवाइज करें और हर सीन में हम कुछ नया नया करते हैं। राइट राइट, यू नो व्हेन यू हैव सच ब्रिलियंट एक्टर्स, तो उस समय वो कितना खुद को सैटिस्फाई करना is really difficult, kya yaar nahi inse aur nikalwa sakta hu, aisi feel aati hai? Nahi, it was very easy to work with them. But we just had such a nice collaboration that, you know, we used to keep doing things right over and over and over till all of us were happy. Right, this is not the first time you've worked with Nawaz bhai. No, second time. Yes, so mujhe ye bataye ki ab to he's a superstar, मतलब सुपर डुपर स्टार, तो थोड़ा टैंट्रम्स दिए, थोड़ा एटीट्यूड प्लीज, थोड़ी कंट्रोवर्सी दो यार, थोड़ा कंट्रोवर्शियल होना चाहिए यहां पे। नहीं दिया क्या कुछ? प्लीज प्लीज से समथिंग ना, कुछ बना दो क्या? कोशिश की थी मैंने देने की, मगर इनसे हो नहीं पाया। एक्चुअली नवाज इज प्लेइंग हिमसेल्फ ओनली इन द मूवी, इन दिस मूवी, सो आपको असली नवाज देखना है तो 15th मार्च को आइएगा। ही इज सो कूल, ही इज सो कूल इन दिस, एकदम बिल्कुल वो नेचुरल, कोई कुछ कर सकता है तो शायद आपसे ज्यादा कोई नहीं कर सकता नवाज भाई। यू नो अलग अलग मल्टीप्लेक्सेस वगैरह में हमने देखा है कि ये जो ये कैरेक्टर है, ऐसे बहुत सारे लोग और बड़े सारे नवाजुद्दीन सिद्दीकी घूमते नजर आ रहे हैं, पीपल आर वेरी हैप्पी। हाँ ये देखो यहाँ भी बैठे, पीपल आर वेरी हैप्पी कि हमने नवाज के साथ फोटो खींच लिया यार। तो कैसा लगता है अभी हर जगह आप ही दिख रहे हो और इतनी तारीफ हो रही है? ठीक है यार, अच्छा है, क्या बोलूं। अच्छा चलो चलो, आई लाइक, हाँ नहीं तारीफ करनी है। देखो मैं ये आप लोगों से, मुझे बोला गया था ये बड़े सादगी वाले लोग हैं, इनसे कुछ तो निकलवा के रहना है। मुझे बोले टुडे यू नो व्हेन यू लुक बैक यू हैव कम अ लॉन्ग वे, एंड इट्स नॉट अ लॉन्ग वे, इट्स लाइक टू द मून एंड बैक, और उससे भी दूर तक। कैसा लगता है? यार काम कर रहे हैं, बहुत साल तक काम नहीं मिला था, अभी मैं काम कर रहा हूँ। एक्चुअली मुझे याद है जब मैं नवाज के साथ पहली बार मिला था, जब लंच बॉक्स की बात हुई थी, बट obviously it was like I wanted to cast him, I'd seen him in Peepli Life and I thought he was just amazing in that movie, so I thought agar isne na bol diya to problem ho jayegi. So when I first saw Nawaz, so we met in a cafe, so fir I saw him and he was wearing chappal, and you know he we spoke about the movie, and then I was thinking that iska to bill mujhe hi dena padega. but now when I go with him somewhere, wo lagta hai inko hi dena chahiye bill. We love you guys. वो चेंज आया है on the screen और ऐसे भी, and पहली बार देखो, इसका क्रेडिट मैं लूंगा, पहली बार ऐसे शर्माते हुए देखा है कभी नवाज भाई को? देखो मतलब आंखों में एकदम ऐसे चले जा रहे। आई नो यू गाइज हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, सो वी विल टेक योर क्वेश्चंस नाउ। सो जी यहाँ कोई सवाल है? सवाल यू नो इंग्लिश सडनली, जी वील स्टार्ट विथ यू जी। So Ritesh, why did you choose this song? I mean, it's very, I love the picturization and the whole feel of it. It's like, so why did you, any particular reason? Actually, ये song launch है, मगर picture में कोई गाने नहीं है। नहीं, ये गाना है actually picture में। They go for a movie in the movie, and this song is going on in the movie that they are watching in the movie. तो अभी सॉन्ग लॉन्च तो करना पड़ता है मैम, अभी हिंदुस्तान है तो, मगर ये गाना, आई लव दिस सॉन्ग, एंड इट एक्चुअली सूट्स द टाइम इन द मूवी व्हेन दे गो ऑन देयर टू वॉच द मूवी। सो इट आल्सो बोथ ऑफ यू लाइक वर्किंग अगेन, लाइक व्हाट्स द एनी चेंज इन द प्रोसेस यू सॉ विद नवाज एंड नवाज वर्किंग विद रितेश अगेन, सो व्हाट हाउ वाज द फील दिस टाइम, हाउ वाज द एक्सपीरियंस दिस टाइम ऑन? रितेश का ये था, क्योंकि लंच बॉक्स की थी हमने साथ में, तो मुझे उसमें जो रितेश जो डील करते थे एक्टर को, वो बहुत ही अलग तरीके से था उसमें, जो मुझे काफ़ी लिबर्टी दी उन्होंने उसमें उस वक्त पे। आई थॉट के उसी तरीके से काम होगा लंच बॉक्स इसमें, फोटोग्राफ में भी, बट बहुत ही डिफरेंट प्रोसेस थी रितेश की इसमें, क्योंकि
क्योंकि डेफिनेटली इतना एक्सपीरियंस होता है, इतनी सारी चीज़ें, थॉट चेंज होते हैं, ये वो हर समय. तो हमें डील करने का तरीका बिल्कुल अलग था रितेश का, जो एक्टर्स थे उनको सबको, और उनके अकॉर्डिंगली मतलब काफ़ी चेंज था उनका जो प्रोसेस था इस फोटोग्राफ. नहीं मैम, वो लंच बॉक्स में तो जो सीन्स हम नवाज के साथ कर रहे थे उसमें खाली एक ही आदमी बोल रहे थे नवाज, तो इसलिए उनको ढील दी गई थी क्योंकि कोई तो कुछ बोले इस पिक्चर में. मगर दिस टाइम इट वाज आई रियली लव बिकॉज द मोर यू वर्क टुगेदर विद एक्टर्स, इफ यू कीप वर्किंग विद द सेम पर्सन यू गेट मोर कम्फर्टेबल एंड द मोर यू नो अबाउट देम. सो आई जस्ट फेल्ट लाइक वी हैड मच, वी ऑलरेडी न्यू ईच अदर, वी ऑलरेडी फ्रेंड्स. So it was much, I found it much easier to work with him this time. Sania, hi. Recently you... Hi. Abhishek here from Network 18. Hi, Abhishek. Hi. Recently you went to Gateway and interacted with the real photographers. So how was your experience with them? It was amazing. In fact, when we were shooting for Photograph, I met a lot of them. They were so nice to me. We got pictures clicked or... बड़ा मज़ा आया. एंड रियल लाइफ में नवाज कितने अच्छे फोटोग्राफर हैं? हाँ सर, मैं चाहते हैं इतना कोई खास नहीं हूँ मैं रियल लाइफ में फोटोग्राफ. मैं सोचता हूँ कि मैं बहुत अच्छा हूँ, लेकिन जब मैं लोगों को दिखाता हूँ उनको बहुत बुरा लगता है वो. ये क्या है, तो कोई भी खींच लेगा, ऐसा है, कोई खास मेरी स्पेशलिटी नहीं है. एंड एक बात हम देखते हैं, जब भी कोई फिल्म आती है उसके मीम जो हैं वो काफ़ी हिट हो जाते हैं. अब आपकी भी आई थी नवाज, और आपकी सानिया, आपकी भी सोशल मीडिया पे हम देखते रहते हैं. हाउ डू यू लुक एट दोस मीम पर्सनली? मेरा एक है, बहुत फनी है. तो फनी है मतलब मजा आता है. आई लाइक ऐसा, आई लव सोशल मीडिया, आई विल शो इट टू यू, इट्स हिलेरियस. नवाज भाई आपके? मैं बीच-बीच में देखे, मैंने तो आते हैं तो ठीक है, जो अपने अपना. आपको नहीं अच्छा लगता है? कुछ बीच में आते हैं, कभी कभी लगता है कि काय को कभी कभी अच्छा लगता है. नवाज और सानिया, आप दोनों के लिए सवाल है. हाँ जी. मधु बीबीसी हिंदी से. एक्टर्स के लिए फोटोग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं. फोटोग्राफ्स अगर पोर्टफोलियो की बात करें तो पोर्टफोलियो से आगे बहुत मौके मिलते हैं. लाइक तो आप दोनों को याद है पहला पोर्टफोलियो कैसे हुआ था और कितना फ़ायदा हुआ उस पोर्टफोलियो से? मैंने कभी अपना पोर्टफोलियो क्लिक नहीं करवाया, कभी भी नहीं. मैं इनफैक्ट अपना फेसबुक का DP भेजती थी फॉर ऑडिशंस. क्यों, कोई और भी कर चुका है इसे? हाँ, यू हैव डन दैट? हाँ, मतलब फेसबुक DP या खुद से कुछ खींचा वो भेज देती थी. और नवाज आपने फोटोज आपने दिए हो ऑडिशंस के लिए इन सब? हाँ, हम लोग बहुत सारे एक्टर आए थे जब 2000 के आसपास. तो उस दौरान एक जूहू में एक शॉप थी, संदीपन अभी भी है, वो वहाँ पे फ़ोटो खिंचवाते, सेम जैकेट सब पहन के खिंचवा देते थे. तो वो फ़ोटो सब जगह बांटते थे हम लोग. तो उससे एक बार क्या, वो उसने बहुत सॉफ्ट लाइट कर दी, तो उसमें मैं थोड़ा गोरा दिख रहा था. तो मैंने जब जाके फ़ोटो दिए, आई थिंक एक ऑफिस था जूहू में भट्ट साहब का, वहाँ पे मैंने वो फ़ोटो दिया और मुझे कॉल आ गई एक सॉन्ग के लिए, कुछ वीडियो सॉन्ग के लिए. तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि मैं कोई इतना उसमें बहुत अच्छा रोल था, वो फोटोग्राफर है, वो इस तरह का रोल था, और वो लड़की एक मॉडल है, खूबसूरत सी मॉडल जो उसके ऊपर पागल है उस फोटोग्राफर के ऊपर. तो मैं सेलेक्ट हो गया फ़ोटो से. लेकिन जब मैं ऑफिस में गया, वो पर्सनली मुझसे मिलना चाहते थे, देखना चाहते थे कि दिखने में रियल लाइफ में देखने में कैसा लगता है. जब मैं पहुँचा ऑफिस, तो जो डायरेक्ट करने वाली थी लेडी थी वो आई, तो किसी ने बताया कि नवाज आ गया. तो मैं जब पहुंचा तो वो ढूंढ रही, मैं वहीं खड़ा हुआ, तो कहाँ है नवाज, कहाँ? ऐसे मैंने, मैडम मैं हूँ नवाज, मैं. तो बोले आप हैं? अच्छा, फ़ोटो में तो कुछ और दिख रहे थे आप. मैंने हाँ, वो वहाँ पे खिंचवाया था जो हमें सॉफ्ट लाइट में थी ये, तो बट मैं ओरिजिनल तो मैं ऐसा ही हूँ. तो उसके बाद मेरा कास्टिंग नहीं हुई उसमें, किसी और को कास्ट कर लिया था. तो फिल्टर लगाने की शुरुआत कहाँ से हुई थी आज हमें पता लग गया. और वी टेक वन लास्ट क्वेश्चन. जी मेरा सवाल आप तीनों से है. नवाज और रितेश को तो हम जानते ही हैं, साथ में अगर हम सानिया की बात की तो
करें तो वो उसने, तुमने भी काफी ऑफ बीट फिल्म की है, पटाखा और दूसरी तरह की, जब तीन ऐसे लोग मिल जाएं जो बिल्कुल अलग तरह का विद्रोह करके अपनी लीग से हटकर कुछ चीज करना चाहें, तो उनके बीच में क्रिएटिव डिफरेंसेस कितने होते हैं? तीन ऐसे लोग जो बिल्कुल अलग तरह का करने का जज्बा रखते हो, वो अगर एक साथ मिल जाए और काम, जैसे बताया ना कि इतने इतने रीटेक्स होते थे एंड ऑल, तो उसमें कितना क्रिएटिव डिफरेंसेस होता था आप तीनों के बीच? मेरी तो ये दूसरी फिल्म थी और मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि मुझे इन दोनों के साथ काम करने का मौका मिल रहा था। ऐसा कभी कोई ऐसा डिफरेंसेस आए नहीं, इनफैक्ट हमने सेट पर ही रितेश ने काफ़ी कुछ रीराइट किया स्क्रिप्ट को, और जैसा जैसा होता जा रहा था शूट वैसे ही हम कुछ अलग अलग और कुछ नया डाल रहे थे फिल्म में। और नवाज जी आपका, आप बिल्कुल सेम ऐसा ही हुआ था जी। रितेश जी, इसमें जो सॉन्ग आपने लिया है उसको देखकर हम क्या माने कि ये फिल्म किस जमाने की है? इसमें तो आज के जमाने की है जी, लेकिन फिर भी ये लोग कोई दूसरे जमाने के हैं जो आज के जमाने में अटक गए हैं, मुझे तो ऐसा ही लगता है। हाँ, मगर आज के टाइम की फिल्म है जो आजकल हो रहा है, कंटेम्प्रेरी या कंटेम्प्रेरी। हाय नवाजुद्दीन, मेरा क्वेश्चन आपसे है, आपने कहा कि आप अच्छे फोटोग्राफर नहीं हैं, लेकिन अगर आप अच्छे फोटोग्राफर होते तो बॉलीवुड में साना के सिवा आप किसकी फ़ोटो खींचना चाहते हो और क्यों, किस एक्ट्रेस की? कैटरीना कैफ ने, इनसे सजेशन लेना पड़ेगा जो बैठ बताओ ना किसकी फ़ोटो खींचना चाहते हो ज़्यादातर, कैसे किसका सर ये लोग तो रोज़ खींचते, आप अपनी बताइए। करीना कपूर सर, रीजन, एनी रीजन? वो बहुत खूबसूरत है, थैंक यू, फोटो देने में भी अच्छी हैं, वो पॉजिंग ये सब बहुत अच्छा, उनका स्टांस बहुत अच्छा लगता है। हेलो रितेश, माय नेम इज संदीप एंड आई एम फ्रॉम हिंदुस्तान टाइम्स ऑनलाइन। आई वुड जस्ट वांट टू आस्क यू दैट द फैक्ट दैट यू हैव रिटेन द ओरिजिनल सॉन्ग इन द फिल्म, एंड नाउअडेज वी सी अ लॉट ऑफ रीमेक्स ऑफ द rehashes of the original songs for that matter. So what exactly made you keep, you kind of stick to the idea of keeping the original song in the film? It's a lovely song, obviously. Besides that. Mohammed Rafi ka kaise remix karega abhi? You never know. I mean, unfortunately, aajkal sab ka remix hota hai. Lata Mangeshkar ka remix ho raha hai, Asha Bhosle ka remix ho raha hai, toh sab, matlab, Mohammed Rafi, thankfully, chalo. Abhi tak koi kiya nahi. Actually, main us din ghar ja raha tha, I saw Lata Mangeshkar in a car, main signal pe. So I was actually talking to my mom. So I said, I just saw Lata Mangeshkar. I'm on signal. Pe hun. My mom said, Lata Mangeshkar is on signal. Pe ga rahi hai. Okay. But, actually, I don't. The thing is that the movie in the movie they go to watch an old movie. So they go to watch the movie that this song is from. So I think it's a very natural fit. Yeah, it was a very natural thing to do and to do that. But yeah, I don't think we would. It's not the kind of movie where we would. Remix a song, you know. And at the same time, you know, after watching the trailer, the song especially, I kind of felt that, you know, there's a lot of the old Bombay, vibe to the screenplay. Especially it kind of took me back to Basu Chatterjee's Choti Si Baat kind of screenplay. So was there any inspiration or, was it a deliberate attempt or what was it? You know, I left Bombay when I was 19. Mm-hmm. And so for me, it got stuck over there. I see. It happens to everybody who leaves the country. So the country gets stuck in that time only. Mm-hmm. So I look at it from a lot of nostalgia. But if somebody's in their 20s now and a younger filmmaker, he can make a movie about Bombay today and contemporary characters better than I can. Mm-hmm. But all my characters are always old worldly. They're always looking for old things and talking about how things used to be. And mm-hmm. But I like that stuff. So I think everybody should do what comes from their heart, and that's how they can, succeed if they have a chance. But yeah, I love the time when I grew up, so and the things that used to be there. Those things interest me a lot. All right, okay. Thank you so much. So we'll just take one last question, huh? Ji.
नहीं, मतलब हर कैरेक्टर का कुछ अलग ही चीज होती है इसमें. दो देयर इज नो लाइक ऐसा कोई डायलॉग नहीं है, पर मैं पूरा टाइम सोचती रहती थी कि वो क्या सोच रही होगी. तो पता नहीं अब वो स्क्रीन पे दिखेगा या ऑडियंस समझ पाएगी, वो मुझे नहीं पता है. बट डिफिकल्ट नहीं था. और जब आप किसी अच्छे डायरेक्टर के साथ और अच्छे एक्टर के साथ काम कर रहे हो तो आपका काम वैसे ही ईजी हो जाता है. पहला डायलॉग शायद आधे घंटे बाद आता है. आधे घंटे बाद आता है. आधे घंटे बाद तो आधा घंटा रुकना पड़ेगा इनकी आवाज सुनने. पर टिप्स किस चीज के लिए? वो एक फेशियल एक्सरसाइज करते हैं हर टेक से पहले. तो पहले तो जब मैं देखती थी तो मुझे लगता था ये क्या कर रहे हैं करके कुछ करते हैं. बट मैं उनसे पूछती भी थी, सर ये क्या कर रहे हो आप? तो उन्होंने मुझे बताया ये फेशियल एक्सरसाइज है, थोड़ा रिलैक्स हो जाता है जॉ. और मुझे दूसरी फिल्म से ही मैंने भी करना स्टार्ट कर दिया, होपिंग कि मैं भी शायद इनकी तरह अच्छी एक्टर बन जाऊं. आस्क मी, इट वाज वेरी गुड यार. मैंने एक्चुअली बर्लिन में मैं खिसक गया था. 1800 पीपल वर वाचिंग द मूवी, तो मैं थोड़ा नर्वस हो गया था. तो मैं निकल गया था, आई वेंट टू हैव सम ड्रिंक्स. और फिर मैं एंड में आया. नवाज भाई ने पूरी पिक्चर देखी बर्लिन में. बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था क्योंकि वहाँ टिकट लेके देखते हैं ना. 15 मार्च को साफ बता दिया, आप लोग भी जाइए टिकट खरीदिए और ये फिल्म देखिए. नाम है फोटोग्राफ, रितेश बत्रा, सानिया मल्होत्रा एंड नवाजुद्दीन सिद्दीकी. लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू सो मच. थैंक यू. वी विल, यस, वी विल हैव अ क्विक फोटो ऑप. जी, आई विल टेक.